तो आज मेरी क्लास से अभी हो रहे तकरीबन दोपहर के 2:25 हो रहे हैं। मैं काफ़ी देर से उठा हूँ और अभी तैयार होकर मैं जा रहा हूँ। मेरी क्लास काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 20 मिनट्स मुझे कम से कम 25 मिनट तो लगेंगे अगर मैं ज़्यादा तेज़ भी जाऊँ तो, क्योंकि ये कैंपस जो है काफ़ी बड़ा है। वो जो मेरी क्लास है वो दूसरी कैंपस में, क्योंकि ये कैंपस और जो दूसरी कैंपस है उसके बीच में सिर्फ एक टनल है, तो वो कैंपस असल में है दूसरा, लेकिन मैं उसको एक ही मानता हूँ क्योंकि कनेक्टेड है। तो मेरे साथ रहिए आज की व्लॉग में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चाइनीज़ की क्लासेस हमारी कैसी होती है। अपने क्लास फेलो से भी मिलाऊंगा, एक्चुअली ये मेरी पहली क्लास है इस क्लास के साथ, तो होपफुली के मैं कुछ नए स्टूडेंट्स के साथ भी मिलूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टनल जो था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 17 मिनट्स में मैंने ये टनल जो है वो क्रॉस कर लिया। पूरा का पूरा 1 किलोमीटर था और मैंने अपने वॉच में ये जो है स्टार्ट किया है अपना ट्रैकिंग। और जैसे आप टनल से निकलते हो तो इस साइड पूरे के पूरे ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, लंबे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है, ये सारे जो स्टूडेंट्स सॉरी टीचर्स वगैरह या जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और तकरीबन 100 मीटर के बाद दूसरा जो कैंपस है वो शुरू होने वाला है। जो टनल के उस पार कैंपस है उसका नाम है स्विमिंग कैंपस, जो इस साइड वाला है इस कैंपस का नाम है हायून कैंपस। तो अभी मैं हायून कैंपस में आया हूँ और यहाँ पे होगी मेरी क्लास, तो मेरे साथ रहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर आप चाइना की लाइफ को देखना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हो कि चाइना में हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है।请问这个在哪里？我给你看。从他没有写地点呀，他上课教室在哪里啊？老师不是这个吗？对，一般就是这个，但是他没有写具体的教室啊。 यार असल में जो मेरे पास लिखा हुआ था उसमें क्लास का नंबर नहीं लिखा हुआ, बिल्डिंग तो यही है, बिल्डिंग तो मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। ये बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है ये वाला भी, और आप लोग देख सकते हो ये है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बसेस जो है वो यही है। A few moments later. बैड लक, क्योंकि मैं गलत बिल्डिंग पे आ चुका हूँ और वो बिल्डिंग जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर मज़ीद जो है वो दूर है। मुझे अब वापस जाना पड़ेगा गेट के बाहर। और अभी मैंने खोला है मैप, तो मैं आप लोग देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट ने मेरी हेल्प की, माई गाड। और क्लास आलमोस्ट 20 मिनट मुझसे जा चुके हैं, पर हाल होप के यार सेकेंड पार्ट जो है वो मैं कैच कर सकूं। लेट्स बी फास्ट। और रोज़े में आप लोग इतनी फास्ट जाओगे तो भाई मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं और बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही, क्योंकि गर्मी हो रही और रोज़ा भी है। बहरहाल अभी मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे आ चुका हूं, क्योंकि मैप मेरे पास आता और ये बहुत ही खूबसूरत ये स्कूल है। अभी जैसे मैं क्लास के अंदर जाता हूं, आप लोग टीचर का रिएक्शन चेक करना, ठीक है? होपफुली दे विल थिंक मैं क्या किस टाइम आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर फॉरनर नहीं होंगे मेरे ख्याल में। लेट्स सी।
工作者来说呢，他要去带有最强制性的东西，就是你要那个新闻工作者先进行自己的 model 思想，对吧？比如像然后是处理的比较弱化的，可以说的是或者是英国。One eternity later.तो यार क्लास हो चुकी है ख़त्म, अभी हो रहे तकरीबन 4:14 और 1 घंटा से ज़्यादा तकरीबन मैंने क्लास ली है। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी, ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि पहली क्लास थी, लेकिन इस क्लास में ऑलमोस्ट 200 के लगभग आसपास जो है स्टूडेंट्स है। बहुत बड़ी एक क्लास है ये और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये क्लास। लेकिन आगे जाके इस क्लास में फिर दोस्त बनाएंगे, आगे फिर आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करूँगा। बहरहाल आज की क्लास हो गई ख़त्म, तो अभी फॉलो करते हैं ये वाला रोड जो है ये मेरे ख्याल में उस वाले से कम होगा रास्ता, फिर भी होगा 1-2 किलोमीटर तो होगा लेकिन 3 किलोमीटर तो कम से कम नहीं होगा। ये जितनी बाइक्स आप देख रहे हो ये सारी के सारी फ्री है, बस आपको जस्ट 10 या 12 RMB तकरीबन 300 या 400 मंथली जो है पाकिस्तानी रुपए पे करने पड़ते हैं और पूरा का पूरा महीना जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास टाइम कम है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ये साइकिल खोल दूँ और साइकिल पर यहाँ से जाऊँ और आप लोगों को थोड़ा सा मैं साइकिल से ही दिखाता चलूँ। और ये लड़की क्या कर रही है, भरे अच्छे या सी होता क्या है, कम ऑन गर्ल यू मेड इट। होगा इसको देखो ये काम भी कर रहा है बीच में, इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी वेला। भाई भाई कैन यू गिव अस सम स्पेस, थैंक यू। ओके और यार ये जो टेक आउट वाले हैं ना, ये जो पार्सल लेके जाते हैं ये बड़ी स्पीड मारते हैं, इसको भी देख, थैंक यू यार। ये वाला थोड़ा सा महजब किस्म का था। अयो असल में प्रॉब्लम इस साइकिल में ये है ना कि अगर आप इस साइकिल को खड़ी करो तो आप साइकिल को हर जगह खड़ी नहीं कर सकते। भाई जल्दी करना, इतनी देर क्यों लगाता है। अच्छा ये कह रहा है कि अभी 77 मीटर जो है 77 मीटर आगे इसकी जगह है, देख अभी हम नहीं कड़ी कर सकते यहाँ पर। लुक एट दैट, कहते अगर आपने यहाँ कड़ी की तो 50 RMB आपसे कटेंगे, तो भाई 50 RMB तो हमसे काटोगे तो मसला हो जाएगा। बस यही चीज़ जो है ना इस साइकिल में मुझे नहीं पसंद, और मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन रहती है इसकी, लेकिन ड्रामा यही है कि इसको कड़ी करने के लिए अपने पे जगह ढूंढने पड़ते हैं, कभी कभी मिलते भी नहीं है। बहरहाल अभी मुझे लगा कि वहाँ पर है, हा 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 लखेले, फिर ये बन जाता है आपके गले का हार, फिर आप इसको लेके जाओ जहाँ भी आपने घुमाना है इसको, तो यही जगह है। अभी लेट्स सी, यस लुक एट दैट, गुड जॉब बॉय। तो अभी यार हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी की गेट पे, आप लोग सिक्योरिटी के इंतज़ाम देख सकते हो, हर गाड़ी को चेक किया जाता है, हर गाड़ी स्कैन होके जाती है, हर एक बंदा स्कैन होके जाता है, कोई बंदा बगैर काट के अंदर हो ही नहीं सकता। लोग देश ये वाला गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, जब मैं यूनिवर्सिटी आया था पहले दिन तो ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे मिला था, इसने मुझे काफ़ी गाइड भी किया था, तो अभी ये मेरे साथ हेलो हाय करता है जब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर।
या जाता हूँ तो गेट पे अगर ये खड़ा रहता है मैं इसको सलाम ज़रूर देता हूँ, और इससे काफ़ी अच्छी दुआ सलाम हुई है। तो और भी सबसे मैं करता हूँ, लेकिन ये वाला मुझे स्पेशली जानता है कि यार ये वाला जो वाइगोरन है ये पहले आया था यहाँ पे। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मेरी आज की मुलाकात जो है वो ख़त्म होगी। पर अभी थोड़ी सी जगह है, तो गाइज फाइनली मैं रूम पहुंच चुका हूं और बिलाखिर मैंने चीज का जो है वो सांस लिया है। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों से लूँगा इजाज़त, आज की वीडियो यहां पे इन करेंगे। अभी मैंने खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है और भी करनी है और फ्रेश भी होना है। तो इसी के साथ अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख लीजिएगा, जहाँ भी रहो खुश रहो। कल तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड पीस।